हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IREL की तरफ से आई रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग वालों के लिए अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है और एक अच्छी खासी सैलरी है। आप लोगों को 25,000 रुपये से लेकर 44,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है और आप लोगों को एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, इसमें जो है आप लोग फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास ओवरमैन या माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माइनिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग सरदार, ओबरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, माइनिंग फोरमैन, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजरशिप की, तो दोस्तों आपके लिए हमारे पास कोचिंग उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को कोचिंग करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए नोट्स भी उपलब्ध हैं, जो कि आप लोगों का MCQ के फॉर्म में नोट्स मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसमें बुकलेट भी होती है जो कि आपको घर पार्सल कर दी जाती है। इसके अलावा MCQ PDF भी होता है। 100% कवर क्वेश्चन के साथ आप लोग फुल गारंटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। 70-80% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे हर पेपर में टच होते हैं। इसके लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, IREL की तरफ से रिक्वायरमेंट है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग जो है कि किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है आपका फाइनेंस वालों के लिए भी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये से लेकर 44,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। S1 ग्रेड में आप लोगों की जॉब लगेगी। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट जो बोला है 26 ईयर बोला है। आइए बात करते हैं माइनिंग वालों के लिए। माइनिंग वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए 18 सीट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप लोगों ने माइनिंग किया है, इसके अलावा केमिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या सिविल से आप लोगों ने करके रखा है तो 18 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, नॉन क्रिमिलियर के लिए जो है आपका 4 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। इसके माध्यम से आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा पोस्ट की, तो जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा के लिए पोस्ट है। राजभाषा में अगर आप लोगों ने फाइनल करके रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। इसके अलावा जो है आपका पर्सनल सेक्रेटरी के लिए पोस्ट है दोस्तों, 2 पोस्ट। इसके अलावा जो है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव ITI वालों के लिए भी सीटें हैं, 20 सीट है। ITI वालों को जो सैलरी मिलने वाली है 20,000 रुपये से लेकर जो है आपका लगभग 88,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसमें ट्रेनिंग के लिए बोला हुआ है कि पहले साल आप लोगों को 20,000 रुपये देंगे, दूसरे साल 21,000 रुपये दिया जाएगा, तीसरे साल अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है तो परमानेंट कर दिया जाएगा कंपनी में। डिप्लोमा की बात करें, माइनिंग में जो है आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का पेपर होगा, पेपर के बेस पे ही जो है आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी ये ना सोचें कि इसमें जो है इतनी कम सीटें हैं, ज़्यादा सीटें हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे तो होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अप्लाई करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो है गारंटी 100% आपका ही सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल माइनिंग केमिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए 45 ईयर्स एज रखी गई है। तो आप लोग की एज अगर ज़्यादा भी है, 30 से ज़्यादा भी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है CBT के बेस पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आप लोग पेपर के नंबर भी देख सकते हैं, 2 हिस्से में आप लोगों का पेपर होगा। एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, सेकेंड पेपर 50 मार्क्स का होगा। सेकेंड में जो है आप लोगों का टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा। फर्स्ट में टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा, जो आप लोग जो है जिस भी ब्रांच से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो www.iREL.co.in, जो कि हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास नोट्स उपलब्ध है, अवेलेबल हैं। इसके लिए आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।